तो सपोज एक डिस्क है और डिस्क का जो मास है 10 kg है, डिस्क का रेडियस 2 मीटर है। इस डिस्क में से आपने एक और डिस्क को क्या कर दिया, कट कर दिया और फेंक दिया, जिसका डायमीटर 2 मीटर है। ठीक है, ये फेंक दिया। तो आपको ये बताना है कि नया सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। इसे ट्राई करना है आपने। तो देखो इसमें क्या किया था हमने, हमने कहा था कि अगर पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, डिस्क के सेंटर पे। ये जो कटी हुई डिस्क है, सबसे पहले इसका मास निकाला जाएगा। डिस्क के ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवर इट्स एरिया। तो हम क्या करेंगे, अगर पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क का एरिया कितना है, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो मास कितना है 10 kg। और अगर 1 है तो 10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 का स्क्वायर। और अगर एरिया पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, 10/4 यानी कि 2.5 kg। तो ये स्टेप क्लियर है। तो पहला काम क्या है, टू कैलकुलेट द मास ऑफ डिस्क। तो जो डिस्क हमने कट की, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका मास निकाल लिया, राइट। ठीक, तो नेक्स्ट, तो हमें ये पता लग गया कि जो डिस्क, जो टोटल डिस्क है, उसका मास 10 kg है। जो ये डिस्क है, जो कटी हुई डिस्क है, उसका मास कहाँ पर होगा, उसके सेंटर पे, तो मास कितना है 2.5 kg। ऐसे तो ये जो बची हुई डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, और यहाँ पर मास पड़ा कितना होगा 7.5 kg। क्लियर है यहाँ तक? तो मास 2.5 kg, 7.5 kg और ये सेंटर ऑफ मास। तो मुझे पता लग गया कि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा। तो हम क्या करेंगे, अलग डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर मास 7.5 kg है, वहाँ पर मास कितना है 2.5 kg है, और ये इसका दोनों का सेंटर ऑफ मास है, टोटल मास। तो अगर ये ओरिजिन मान लेते हैं 0.0, तो ये डिस्टेंस कितना है 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1.0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो डिस्टेंस एक्स शिफ्ट हो गया तो -x.0, और ये कितना है 0.0। क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 बाई m1 + m2। एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। m1 को मान लेते हैं 7.5 और x1 को क्या मान लेते हैं -x, m2 को मान लेते हैं 2.5, x2 को क्या मान लेते हैं 1। सॉल्व करके x कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का एक और शॉर्टकट भी है छोटा सा, क्या, क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास में हमने फॉर्मूला क्या लगाया, m1 x1 + m2 x2 बाई m1 + m2। और हम ऐसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, 0। मास तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, m1 × x1 इज इक्वल टू -m2 × x2। सीधा शॉर्टकट लगा लो। कैसे, अगर एक मास m1 7.5 kg है, उसका कोऑर्डिनेट है -x, तो दूसरा मास कितना है 2.5 kg, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 1। सॉल्व करके x कैन बी कैलकुलेटेड। तो कई बुक्स ये लगाती हैं m1 x1 = m2 x2, पर बना कहाँ से हुआ है, बना यहीं से हुआ है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे आपने सोचना है इस क्वेश्चन में? ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी डिस्क में की थी। अब एक नई टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर एक रॉड है, एक रॉड है, अगर रॉड है, थिन रॉड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड।
अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? उसके सेंटर पे, बात खत्म। पर अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सच दैट क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर बाई एल है, लैम्डा का मतलब क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर जो डेंसिटी लैम्डा है वो किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे डिपेंडेंट है, के और एल कॉन्स्टेंट है। तो अगर रॉड का ये कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एल है, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक्स बढ़ता जा रहा है। अगर एक्स बढ़ता जा रहा है तो लैम्डा भी बढ़ता जा रहा है। लैम्डा क्या चीज़ है? डेंसिटी। तो राइट जाने में डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जितनी मास डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मास भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी कम मास कम, डेंसिटी ज़्यादा मास ज़्यादा। यानी कि इस रॉड में, इस पोर्शन में डेंसिटी कम है, फिर डेंसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो मिड पॉइंट के यहाँ पर मास ज़्यादा है, यहाँ पर मास कम है। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, मिड पॉइंट के कहाँ होगा? थोड़ा राइट पे होगा, क्योंकि डेंसिटी राइट पे ज़्यादा है, मास राइट पे ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास भी वहाँ होगा जहाँ पर मास ज़्यादा है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे ढूंढें, m1, x1, m2, x2, m3, x3, m4, x4, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? इनफाइनाइट। तो मैं कैसे लगाऊंगा फॉर्मूला m1, x1, m2, x2, m3, x3 अप टू mn, xn? बड़ा लंबा काम है ये, तो नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं पता। तो इसकी जगह हम एक काम करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इसका, और वो एलिमेंट का मास कितना है? स्मॉल dm। तो एलिमेंट का मास कितना है? dm, और स्मॉल लेंथ कितनी है? dx। मास dm, लेंथ dx, और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे है? x। तो x दूरी पे एलिमेंट है dx, जहां पर मास क्या है? dm। ठीक। अच्छा, ऐसे एक एलिमेंट यहां पर भी होगा dm, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर, तो हर का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। जैसे यहां पर dm है, dm का कोऑर्डिनेट यहां पर x1 है, यहां dm का x2 है, dm का x3 है, dm का x4 है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? dm इंटू x1 प्लस नेक्स्ट dm इंटू x2 प्लस नेक्स्ट dm इंटू x3 प्लस नेक्स्ट dm इंटू x4 चलता जाएगा अपॉन टोटल मास dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, ऐसे ही बनेगा। पर ऐसा सुनने में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। क्यों? नंबर ऑफ पार्टिकल तो पता नहीं, तो इंटीग्रेशन का मतलब मिलाना, किसको मिला रहे हैं? dm इंटू x1, dm इंटू x2, dm इंटू x3, dm इंटू x4। तो बार बार लिखने की बजाय एक एलिमेंट ले लो dm, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, और उसकी क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये बनेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब ओपन करेंगे तो पूरी लिमिट लगाएंगे, तो dm इंटू x1, dm इंटू x2 करते 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 पूरी रॉड को कवर कर जाएंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm इंटीग्रेशन ऑफ dm कर देंगे, टोटल मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या स्टेप क्लियर है? तो आज के बाद जिसमें मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर तो सेंटर मास सेंटर पे है, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटीग्रेशन का। अगर ये रॉड सीधी खड़ी होती तो फॉर्मूला ये लगा लेते, x की जगह वाई कर देते, और अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो x। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही एक तरीका है जिससे कि आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला आप याद रखें इसमें। अब लगाना कैसे है? अब आपको इसमें लैम्डा पता है, ये लैम्डा पता है कि एक्स स्क्वायर बाई एल, ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि dm की वैल्यू क्या है। अब जो आपने dm लिया, इसकी स्मॉल लेंथ क्या है? dx। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। और अगर मैं लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा उसका मास? तो dm की लेंथ कितनी है? dx। तो dx को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? dm। तो dm की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा इंटू dx। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो dm की क्या वैल्यू आएगी इसमें? लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है? dx। तो लैम्डा की वैल्यू तो मुझे पता ही है, यही kx स्क्वायर बाय l, तो ये क्या आ गया? dm। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? dm। तो मैंने dm न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम dm है, काट मत देना, इसे कटिंग नहीं करनी, इसकी इंटीग्रेशन है। तो dm की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर पुट करनी है,
और डीएम की जगह पूरी की पूरी वैल्यू नीचे भी पुट करनी है, तो ये मैंने ऊपर पुट कर दी और ये मैंने नीचे पुट कर दी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां से के और एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, के और एल बाहर आ गया एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एक्स। तो एक्स की लिमिट कैसे लगेगी? पहला एलिमेंट ये होगा, पहली एलिमेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। और आखिरी एलिमेंट ये होगा, एक्स की वैल्यू क्या है? एल। तो एक्स की लिमिट क्या लगेगी? जीरो से एल, जीरो से एल। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स फोर बाई फोर, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई क्यूब। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एल फोर बाई फोर, एल क्यूब बाई क्यूब, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थ्री एल बाई फोर आंसर आएगा। तो ये आपका क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका और कोई तरीका नहीं, ठीक है यहाँ तक? तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, इसमें सेम मिलती जुलती प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर से रॉड है, फिर से एक बार रॉड है और मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर इस बार हमें लैम्डा नहीं दे रहा वो। अगर लैम्डा देता फिर तो पुराना क्वेश्चन था, अब ये करना आ गया, इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, करनी तो इसमें भी इंटीग्रेशन पड़ेगी, पर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब यहाँ पर लैम्डा कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो इस पॉइंट पर, इस कोने पे लैम्डा गिवन है लैम्डा वन, लेकिन साथ में कह रहा है कि लैम्डा इंक्रीजेज लीनियरली विद लेंथ, लेंथ के साथ लैम्डा बढ़ता जा रहा है। तो ये लैम्डा वन है कोने पे, अगले पॉइंट का लैम्डा लैम्डा वन से तो ज़्यादा ही होगा, अगले पॉइंट का लैम्डा लैम्डा वन इससे भी ज़्यादा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू राइट जाते 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 बढ़ती जा रही है और लास्ट वैल्यू क्या है? लैम्डा टू। तो अगर कोई मुझे इसमें लैम्डा बता दे कि कैसे चेंज हो रहा है एक्स के साथ, तो मेरा क्वेश्चन पुराने वाला क्वेश्चन सेम बन जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, फिर तो लास्ट सेम क्वेश्चन बन गया। अगर लैम्डा का फॉर्मूला आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम सेम, तो लैम्डा निकालते हैं इसमें क्या होगा। तो एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा निकालें, तो एक्स डिस्टेंस पे आपने स्मॉल एलिमेंट डीएम ले लिया जिसकी लेंथ डीएक्स है, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर कहीं पर भी अगर लैम्डा ढूंढना है, मान लो मेरे को लैम्डा ढूंढना है एक्स डिस्टेंस पे, मेरा जो भी आंसर आएगा वो लैम्डा वन से तो ज़्यादा ही आएगा, लैम्डा वन से ज़्यादा ही आएगा। तो अगर मैं ये बता दूं कि लैम्डा वन से कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मेरा आंसर क्या आएगा? लैम्डा वन प्लस वो इंक्रीज वैल्यू। मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ मिनिमम वैल्यू जैसे 10 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 15 और बढ़ गई, तो यहाँ पर नई वैल्यू क्या होगी? 10 प्लस 15 25। कम से कम कोने पर लैम्डा वन तो है ही है ना, तो मेरे को तो ये ढूंढना है कि आगे जाने में लैम्डा वन से और वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई। और वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब लैम्डा वन तो रहेगी रहेगी, प्लस और इंक्रीज़ ढूंढ देता हूँ। तो इंक्रीज़ कैसे ढूंढते हैं? अगर मैं यहाँ से एंड पे चला जाता हूँ एल डिस्टेंस पे, तो अगर मैं एल डिस्टेंस पे चला जाता हूँ तो मेरी लैम्डा इंक्रीज़ वैल्यू कितनी हो जाती है? लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, सीधा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन पूरी रॉड में। यूनिट लेंथ पे जाता हूँ तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन बाई एल, और अगर एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन बाई एल इंटू एक्स। तो ये क्या आ गई? इंक्रीज इन लैम्डा। तो ये स्टेप समझ में आया? अगर मैं कोने से कोने पे जाता हूँ तो मेरा इंक्रीज इतना हो जाता है, वन पे इतना हो जाता है और एक्स डिस्टेंस पे इतना हो जाता है, तो इंक्रीज इन लैम्डा है। तो एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा क्या होगा? लैम्डा वन तो होगा ही होगा, प्लस कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई वो ऐड कर देंगे। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? इतनी इंक्रीज हुई, तो लैम्डा वन में इतनी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये लैम्डा का फॉर्मूला आ गया। तो समझ में आया लैम्डा का फॉर्मूला कैसे बना? लैम्डा वन तो होगा होगा, उसकी इंक्रीज इन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? लैम्डा की वैल्यू आ गई इसमें। बाकी क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम। ये देखो एक्स सेंटर ऑफ मास का सेम फॉर्मूला, डी एम का फॉर्मूला लैम्डा इंटू डी एक्स लैम्डा इंटू सेम फॉर्मूला, बस फर्क है कि लैम्डा और लैम्डा, वो इतना बड़ा लैम्डा हमें यहाँ और यहाँ पुट करना पड़ेगा। ये देखो ये जो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली ना बड़ी, इतनी बड़ी, पूरा लैम्डा और लैम्डा पुट करना पड़ेगा। मेडिकल में आएगा नहीं, एनसीईआरटी में आएगा नहीं, मेंस वालों को मैथ्स के टीचर इंटीग्रेशन वैसे सिखा देंगे। मेरा काम यहाँ तक था करना। अगर कोई देखना चाहे सोल्यूशन देख सकता है कि यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये देखो किया हुआ है, इसको ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म
सही, तो चार इंटीग्रेशन चलेंगी, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। कैलकुलेशन छोड़ो, आपको लैम्डा निकालना आ गया, तब की तब देखेंगे जब होगा, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे है। ठीक, पहले वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होता है आपको, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है, लैम्डा निकालने को कम आता है, लैम्डा गिवन होता है। इस क्वेश्चन को देखो, सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक चेहरा गिवन है, फेस ये रहा, गोल फेस है किसी का, दो आँखें, एक दो, नाक सीधा और ये लिप्स हैं। कह रहा है कि इसमें जो गोल फेस है उसका जो मास है वो 6 mm है, 6 mm है। आँखों का मास m और m है, नाक का मास m है, लिप्स का मास m है, तो कितनी बॉडीज हैं, एक दो तीन चार पाँच। पूरे फेस का सेंटर ऑफ मास निकालो कहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट। तो क्या गिवन है, पूरे फेस का सेंटर ऑफ मास, आँखों का सेंटर ऑफ मास, पूरे फेस का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, आई का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, दूसरी आई का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, नाक का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, लिप्स का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इन पांचों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास पूरे चेहरे का सेंटर ऑफ मास वो निकालना है। पॉइंट समझ में आया, तो बेसिकली इसमें पांच बॉडीज हैं, अलग अलग करके देख लो, पांच बॉडीज हैं, पांच बॉडीज सिमेट्रिकल हैं, पांच बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनकी पांच बॉडीज के सेंटर पे है, और आपको उन पांच सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो रूल नंबर वन, अगर ये पूरा चेहरा है, इस पूरे चेहरे का मास 6 mm है, और इसका सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिन पे 0.0, क्वेश्चन में गिवन है 0.0। फिर ये गिवन है, जो अगर ये 0.0 ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो नाक है इसका सेंटर ऑफ मास 1.0 है, गिवन है। आई का सेंटर ऑफ मास -A, इस आई का कोऑर्डिनेट A, इसका 0.-A। तो हमारे पास अब क्या बन गया इसमें, हमारे पास ये बन गया इसमें, कैसे, एम 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 और एम, एक दो तीन और चार, इनके कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 और 4, सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और जो पूरा चेहरा है राउंड 6 mm उसका कोऑर्डिनेट 0.0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो आपके पास ये पांच बॉडीज हैं, पांचों के मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए हुए हैं, तो ये क्या बन गया, m1 m2 m3 m4 और m5, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। तो फॉर्मूला लगा लेना, m1 x1 m2 x2 पांच बार, y1 m1 y1 m2 y2 पांच बार, तो दो कोऑर्डिनेट्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस फिगर के सेंटर ऑफ मास को हमने सॉल्व किया, इसमें कोई डाउट इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ये कैसे किया, क्वेश्चन है कि आपके पास एक ना ब्लॉक है, एल लेंथ का ब्लॉक है, ये ओरिजिन है या ये कॉर्नर है, दीवार है, एल लेंथ का ब्लॉक है, आपने ब्लॉक इसके ऊपर रखा, सेम लेंथ का ब्लॉक है, तो कुछ इस तरीके से, ये नीचे का ब्लॉक है, ये ऊपर का ब्लॉक है, तो अगर ये एक के ऊपर एक पड़े हैं तो दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर है, पर मैंने इसको L/4 आगे शिफ्ट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा, नीचे का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, पर इससे थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये रॉड L/4 बाहर आ गई, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास से L/4 बाहर आ गया। क्या पॉइंट क्लियर है, तो L/4 बाहर आ गया, ऐसे ऊपर का सेंटर ऑफ मास भी L/4 बाहर आ गया, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो ये एल लेंथ का ब्लॉक है, ये तो रेस्ट भी पड़ा हुआ है, इसने तो इसको तो बाहर किया नहीं, L/4 बाहर आ गया, L/4 बाहर आ गया, तीन ब्लॉक्स के बने हैं। आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस से कितनी दूर चला गया, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है कितना शिफ्ट हो गया, ठीक। तो शिफ्टिंग तो हुई है, क्योंकि ब्लॉक अगर राइट जाते जाएंगे सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा राइट शिफ्ट होता जाएगा। तो एक काम करते हैं, कितनी बॉडीज हैं, तीन, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, तीन मास हैं, तीनों का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर्स पे, तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो रूल नंबर वन, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, इसके सेंटर पे। तो अगर मैं इस वॉल को ओरिजिन मानता हूँ,
है ना, अगर मैं यहाँ पे इसे ओरिजिन मानता हूँ तो ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है, एल बाई टू। तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एल बाई टू, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एल बाई टू कॉमा जीरो, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर उस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एल बाई टू। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इतना डिस्टेंस एल बाई टू तो है ही है, पता ही है वो तो। और इसका सेंटर ऑफ मास कितना आगे शिफ्ट हो गया, एल बाई फोर। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर। ये भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो ये पॉइंट समझ में आया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, एल बाई टू। ये तो समझ में आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं पॉइंट लेता तो ये डिस्टेंस भी क्या होता, एल बाई टू। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, ये ब्लॉक बिल्कुल कोने में था, इसको राइट शिफ्ट कर दिया एल बाई फोर, तो यानी कि ये डिस्टेंस भी कितना शिफ्ट हो गया, एल बाई फोर। तो नया डिस्टेंस क्या आ गया, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर। फिर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस तो है ही है, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, ये और शिफ्ट हो गया कितना, एल बाई फोर। तो टोटल सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर। क्या स्टेप क्लियर है। तो पहला सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे, अगला एल बाई टू प्लस एल बाई फोर पे, अगला एल बाई टू प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर पे। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ ये निकालना है। तीनों के मासेस सेम है, एम इंटू एल बाई टू, दूसरी बॉडी के लिए एम इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, तीसरी बॉडी के लिए एम इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर अपॉन टोटल मास एम प्लस एम प्लस एम। क्या स्टेप क्लियर है, इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशंस हैं, आंसर आ जाएगा थ्री एल बाई फोर। तो कैसे सोचना है ये समझ में आ रहा है कि आपको कैसे सोचना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें। ये क्वेश्चन, ये शीट है या ये स्क्वायर है या ये वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बताएगा इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे बता एरिया। ये तो रो यूज कर रहा है डेंसिटी, रो तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैम्डा का मतलब मास लेंथ वाइज है, सिग्मा का मतलब एरिया वाइज है, रो का मतलब वॉल्यूम वाइज है। इसने रो यूज किया तो देखते ही लगता है ये वॉल्यूम वाइज है, पर देखने में वॉल्यूम लग नहीं रहा, देखने में शीट लग रही है। तो मैंने जब ध्यान से पढ़ा तो नाम लिखा इसने रो का मतलब सरफेस मास डेंसिटी, और सरफेस मास डेंसिटी का मतलब सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया वाइज है। कंफ्यूज करने के लिए सिंबल वॉल्यूम का ले लिया, लेकिन काम सिग्मा का ही करेगा ये एरिया वाइज, समझ में आ रहा है। तो आपने सिंबल पे नहीं जाना, नाम पे जाना है। रो का मतलब क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यानी कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एरिया। तो सोचें एरिया वाइज है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ओ गिवन है, तो ये रहा कोने का पॉइंट ओ, यहाँ से निकालना है। तो इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। ट्राई करो।
देखो इसमें क्या गिवन है, इसके अंदर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल लेंथ इसमें 12 गिवन है। तो मैं अगर ये पूछूं कि इस शीट का, इसका पहले का एरिया, इसका मास कितना है, तो आप इसकी डेंसिटी को इसके एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो इसका मास आ गया। सेकेंड शीट का मास कितना है, रो टू को इसके एरिया से मल्टीप्लाई, तो इसका मास आ गया, एम वन एम टू आ गया। तो इस शीट का मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे। इस शीट का मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। तो आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो दोनों शीट्स के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, राइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल लेंथ 2L है और हमें सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है। ओ को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। तो एक बात बताओ, सी वन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये लेंथ एल है तो आधी लेंथ क्या है, एल बाई टू, एल बाई टू, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल बाई टू कॉमा जीरो। उसी तरीके से ये लेंथ कितनी है, एल है, और ये आधी लेंथ कितनी है, एल बाई टू, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल प्लस एल बाई टू। तो ये देखो यहाँ बनाया हुआ है, ये ओ पॉइंट है, ये सी वन है, सी वन का कोऑर्डिनेट एल बाई टू कॉमा जीरो, और सी टू का कोऑर्डिनेट 3L/2,0। तो आपको मास तो मैंने बता ही दिया, पहली शीट का मास रो वन एल स्क्वायर, दूसरी शीट का मास रो टू इन टू एल स्क्वायर। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो, ये एम वन है, ये एम टू है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो फॉर्मूला यूज़ करो, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, एम वन प्लस एम टू, एक्स एक्सिस में निकालना है इसमें। तो एम वन पता है, एक्स वन पता है, एम टू पता है, एक्स टू पता है, अपॉन एम वन प्लस एम टू की तो कैलकुलेशन है, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। आंसर तो आपको निकालना है, पर आपको मेथड समझ में आ रहा है कि सोचना कैसे आपने इसमें, ठीक है यहाँ तक। ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक। ओके नेक्स्ट है, ये एक फिगर है, टी टाइप फिगर है, ये टी, टी भी थोड़ी मोटी टी है। तो क्या लग रहा है कि इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज कि एरिया वाइज लग रहा है आपको, ए शक्ल से लग रहा है, वॉल्यूम तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, 3D बॉडी होती है वॉल्यूम में, तो एरिया वाइज, क्योंकि एरिया ये देखो ये पूरा एरिया ही एरिया है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एरिया वाइज है। तो आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, कहाँ से, फ्रॉम ओ, इस बार ओ कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पे निकालनी है, ओ से। क्या लॉजिक लगेगा इसको, मैं एक काम करूँ, दो बॉडीज में डिवाइड कर लूँ, पहले काम करता हूँ ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये पहला रेक्टेंगल है, क्लियर है, दूसरा ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये भी क्लियर है। तो एक काम करता हूँ, पहले रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, नॉन यूनिफॉर्म गिवन ही नहीं है, जब गिवन नहीं तो यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, नीचे वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, तो दोनों रेक्टेंगल्स के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब अपने को पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो फिर एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू का फॉर्मूला लगेगा। तो लॉजिक क्लियर है। अब इसमें कोऑर्डिनेट निकाल लो, पहले कोऑर्डिनेट निकालने अगर ओ से, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 0,0, मान लिया। अब अगर ये 0,0 है और ये लेंथ अगर 2 मीटर है, तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस चल रहा है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, मेरे हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि नीचे का कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो 0, -1, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई में जा रहे हैं ना, ओरिजिन से नीचे जाने का मतलब नेगेटिव वाई में जाना, तो 0, -1, क्लियर है। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट, अगर ये डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर का आधा कितना है, 3 मीटर है, और ये कितने है, 2 मीटर, तो 3 मीटर में 2 मीटर ऐड कर दो, तो कुल मिला के कितने मीटर हो गया, 5, तो 0, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -5।
तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनेगा 0, -1 और एक बनेगा 0, -5। क्या ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर है कैसे आ रहे हैं? ठीक है यहाँ तक। अब मास निकाल देते हैं। क्या आपको मास निकालने का कुछ गिवन है? कुछ नहीं गिवन, मास के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? और मास तो निकालना जरूरी है, तभी तो m1 y1 m2 y2 by m1 plus y2 m2 लगेगा। जब पता है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और एरिया गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में मास निकालने का एक ही तरीका है, एज्यूम कर लो सिग्मा पूरी बॉडी के लिए कॉन्स्टेंट है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो एक बात बताओ कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 8 × 2 = 16। 16 को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर लो, पहला मास आ गया m1। भाई सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, को एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मास आ गया। ठीक, सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, मास आ गया। दूसरा मास भी आ रहा है, इसका एरिया कितना है? 6 × 2 = 12। तो इसका मास क्या आएगा? σ × 12। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो मास आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। m1 y1 m2 y2 m1 plus m2 y1 क्यों या y2 क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे चल रहा है, x पे नहीं, इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस बार वर्टिकल है, वर्टिकल में y लगाना आता है। तो m1 16 σ और y कोऑर्डिनेट -1 था, m2 12 σ y कोऑर्डिनेट -5 था, m1 plus m2 σ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपका आंसर नेगेटिव में आएगा -2.71। मैंने सब कुछ पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि वो नीचे की, या तो सारे पॉजिटिव लो या सारे नेगेटिव लो, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ है, तो आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे करना है? तो आपको ये आइडिया समझ में आ रहे हैं कि अगर बहुत सारे ब्लॉक्स गिवन हो, उन ब्लॉक्स का सेंटर ऑफ मास गिवन हो और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स का निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकलेगा। तो समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें? सिग्मा एज्यूम कर लो मास पर यूनिट एरिया है पूरी बॉडी का, तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं 8 × 2 = 16, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, 16 से मल्टीप्लाई, सिग्मा इंटू 16 मास आ गया। इसका एरिया कितना है? 6 × 2 = 12, सिग्मा इंटू 12 इसका मास आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया, और मासेस होंगे कहाँ? इन सेंटर्स पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चंस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट करते हैं।